दीप तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो नेता हैं, उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री कभी दे नहीं पाते हैं, सदन छोड़कर चले जाते हैं। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव अपने ऑफिस में बैठते हैं तो मुख्यमंत्री सदन में आते हैं, उनका सामना नहीं कर पाती है सरकार। इसलिए अनाप शनाप बोलना इन लोगों का काम रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि 25 तारीख से 31 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। इससे पहले विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष की ओर से विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष जो है हमेशा जनता की समस्याओं को सत्र में उठाना चाहता है। हमारा काम है कि जो हम जनता की समस्याएं हैं उनको सत्र में पेश करें सदन के सामने। लेकिन जो सत्ता पक्ष है कहीं ना कहीं हमारे सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, और तेजस्वी यादव जब भी सवाल करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। तेजस्वी यादव के जनाधार से लोग घबराए हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना है आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, सुनवाते हैं आप। मोदी का काम है कि स्याही बिल्ली खंभा नोचे। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव का जनाधार बढ़ रहा है और नौजवान जा रहे हैं, तो इससे बीजेपी और एनडीए के लोग घबराहट में सब बातें बोल रहे हैं। और हम तो कहते हैं, पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो नेता हैं, उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री कभी दे नहीं पाते हैं, सदन छोड़कर चले जाते हैं। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव अपने ऑफिस में बैठते हैं तो मुख्यमंत्री सदन में आते हैं, उनका सामना नहीं कर पाती है सरकार। इसलिए अनाप शनाप बोलना इन लोगों का काम रहा है। कभी भी सदन को बाधित नहीं करता, सदन हमेशा जनता के समस्याओं को सदन में रखना चाहती है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है। जब सुनना नहीं चाहती है तो हमारा कर्तव्य जो है, हमारा जो ये है वो तो करना पड़ेगा। और जो नियम संगत हम लोग काम करते हैं, हम कभी भी, हमारा महागठबंधन कभी भी विधानसभा को बाधित नहीं करती है, हमेशा जन समस्याओं को सदन में उठाने का काम करती है। सरकार अगर जन समस्याओं से मुंह मोड़ती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसके लिए सदन नहीं बना हुआ है, आप मुंह मोड़ते रहिए, जनता का शोषण करते रहिए, जनता का कोई काम नहीं करते रहिए, और आप आरसीपी टैक्स लेकर और काम करते रहिए। मैं उसका विरोधी हूँ और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग महागठबंधन के लोग उस पर सवालों का दागने का काम करते हैं। तो आपने सुना कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो घबराया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सदन में हमारा काम है जो कि जनता की समस्याएं हैं उनको उठाना, लेकिन जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव जब बोलते हैं तो मुख्यमंत्री सदन छोड़कर चले जाते हैं। अब देखना यह होगा कि जो बजट सत्र होने वाला है इसमें कितनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाएगा, किस तरीके से मुखर रूप से जवाब देता ही है सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का, यह तो देखने वाली बात होगी। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।